नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। रामनवमी के उपरांत मंगलवार की शाम 8 बजे अतरौलिया नगर पंचायत के रामवरण चौक पर संत सम्मेलन व धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री राम बल्लभ कुंज का जानकी घाट अयोध्या के आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज व विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के संघ प्रमुख श्याम बाबू गुप्ता तथा सिद्धेश्वर आश्रम अम्बेडकर नगर के महंत कृष्णनंद महाराज व प्रांतीय संगठन मंत्री गोरक्ष प्रांत के बाबा हरदेव, प्रांत सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर अशोक अग्रवाल थे। सभा धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य चंद्रांशु जी महाराज ने कहा कि सिर्फ साधु संत ही नहीं, सनातन संस्कृत, सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हर एक लोग भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। पूरे विश्व में नेपाल ही एकमात्र हिंदू राष्ट्र था जिसे भी एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 56 देश ऐसे हैं मुस्लिम देश हैं, यहाँ के मुसलमान विदेशों में भी हज करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। सुनाते हैं कि आचार्य चंद्रांशु जी महाराज ने और क्या कुछ कहा। नाम से जाना जाता है तो अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो क्या बुरा है उसमें। सर, अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया जिसमें काशी और मथुरा का भी जिक्र आया है, तो सर राम मंदिर की तरह क्या काशी मथुरा पर भी आंदोलन चलेगा? सर, आंदोलन चलने की शायद अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी माननीय न्यायालय पर हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों ने सही शुरू होकर के ही, हम लोगों ने कभी जिहादियों की तरह कोई काम नहीं किया। राम जन्मभूमि को लेने के लिए हम लोगों ने हमेशा कोर्ट को, संविधान को वरीयता दिया है और उसके दायरे में हम लोगों ने राम जन्मभूमि को लिया है। अभी जो थोड़े दिन पहले फैसला आया है उसको आपने देखा होगा कि वहाँ पर साबित हो चुका है कि शिवलिंग ही है और वो उस पर वो लोग जो वजू करते थे वह गलत ही था। तो कहीं ना कहीं कम दिन बचा है जब काशी विश्वनाथ मेरा है ही और मथुरा के साथ भी वही है, और ये तो केवल 3 प्रमुख स्थल हैं ही, ये केवल 3 स्थल ही नहीं है, ना जाने देश में कितने हमारे मंदिरों को इन लोगों ने तोड़ा हुआ है, कितनी हमारी धरोहरों को, संस्कृत को इन लोगों ने नष्ट किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो समय दूर नहीं है, ये तो केवल 3 ही है। जैसे एक ताजमहल का भी आपने मामला देखा होगा, अभी न्यायालय सुनना शुरू कर दिया। आपने ये बात नहीं सुनी होगी, किसी भी आप मस्जिद में या कहीं भी इनका जहाँ पर कोई भी जगह इनका सजदा करने वाला दरगाह है या कुछ भी है, जहाँ पर कहीं नहीं देखा होगा कि वहाँ पर जल गिर रहा हो, वो तो शिव के ऊपर ही केवल जलाभिषेक होता है, किसी पवित्र नदी के किनारे ऐसे स्थलों का कोई निर्माण नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये सब जांच के विषय हैं और हो रहा है, होना भी चाहिए। तो मैं सर, अभी आपने अपने भाषण में कहा कि हिंदू भाई भाई, सिख सिख भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, तो ऐसे तो सर नहीं लगता कि जो भारत के संविधान में सभी धर्मों की संभावना की बात कही, आपकी भाईचारा की बात कही है, उसमें सर कहीं ना कहीं सी ये चीज़ें आड़े नहीं आएगी? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी मस्जिद में हिंदू चिन्ह क्यों अंकित होंगे? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ क्यों उल्लेखित होगी? अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है और इसके पहले जो राम जन्मभूमि का मामला आया उसमें आपने देखा कि पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया और उसमें जितने भी चिन्ह निकले, जो भी अवशेष मिल रहे थे, सब हिंदू पक्ष के मिले, जिसके तहत राम मंदिर हमारे पास में आई। आज वहाँ पर ज्ञानवापी में ऐसे तमाम चीज़ें इस समय उपलब्ध हैं जिनको देख करके और मुस्लिम समाज के लोगों को भी पता है कि ये निश्चित तौर पर हिंदू भाइयों का ही है। अभी तमाम साक्ष्य भी जो मिल रहे हैं वो हिंदू पक्ष के ही मिल रहे हैं, यही बात मथुरा के साथ में है। तो मैं कहता हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात करते हो तो अभी मेरे साथ आओ ना, गले से मिलकर के कहो कि ये ज्ञानवापी, ये मथुरा कृष्ण जन्मभूमि हिंदू भाइयों की है, हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम भाई भाई मिल करके आपस में रहना चाहते हैं, मेरे साथ गले मिल करके हमको काशी विश्वनाथ, मथुरा या अन्य जो भी लगता है उनको दे दो, हम प्रेम से मिल करके रहेंगे। पर आप तोड़ते जाओ,